सरोजनी नायडू का जन्म भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उन्होंने मात्र 12 वर्ष की अल्प आयु में ही 12वीं कक्षा की परीक्षा को अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण किया था और 13 वर्ष की आयु में वो लेडी ऑफ द लेक नामक कविता रची थी। बचपन से ही वो काफी तेजस्वी थी और वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई और वहाँ वो पढ़ाई के साथ साथ कविताएं भी रचना करती थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरोजिनी ने 19 साल की उम्र में विवाह कर लिया। सरोजिनी नायडू ने अंतरजातीय विवाह किया था जो कि उस दौरान एक क्रांतिकारी कदम था क्योंकि उस दौरान यह विवाह मान्य नहीं था। बचपन से ही वो उच्च विचारों में बढ़ी थी और उनके इस निष्पत्ति में उनके पिता उनका पूरा सहयोग किया करते थे। इसी कारण वो समाज में अपनी निष्पत्ति पर डट कर खड़ी रह पाई। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई। इस आंदोलन के दौरान वो गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, सीपी रामास्वामी अय्यर, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू से मिली। दोस्तों, सरोजिनी नायडू ने भारत में महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकार के लिए भी सुदृढ़ आवाज उठाई। उन्होंने राज्य स्तर से लेकर छोटे शहरों तक हर जगह महिलाओं को जागरूकता के लिए आह्वान किया। वर्ष 1925 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी वो गांधी जी के साथ जेल गई थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्हें 21 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। दोस्तों, संकटों से ना घबराते हुए वो एक धीर वीरांगना की भांति गांव-गांव घूमकर ये देश प्रेम का अलख जगाती रही और देशवासियों को उनके कर्तव्य का याद दिलाती रही। दोस्तों, सरोजिनी नायडू के पास विभिन्न भाषाओं में बात करने की क्षमता थी। आजादी के आंदोलन के दौरान वो विभिन्न क्षेत्र में क्षेत्र अनुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बंगला या वा गुजराती में देती थी। उसके साथ साथ दोस्तों, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला या फिर नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह स्वतंत्रता सेनानी और महान नेता, अच्छी कविता लेखिका के अतिरिक्त अच्छी गायिका भी थी। सरोजिनी नायडू ने अंग्रेजी में कविताएं लिखना स्कूल शिक्षा के दौरान ही शुरू कर दिया था। उनकी कविताएं बहुत उच्च कोटि की थी जिसकी वजह से वो रॉयल लिटरेरी सोसाइटी ऑफ लंदन की भी एक सदस्य बन गई। सरोजिनी नायडू वास्तव में 20वीं सदी के भारत के रत्नों में से एक थी। 1925 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई और तब तक वो गांधी जी के साथ 10 वर्ष तक काम भी कर चुकी थी। उनका इस क्षेत्र में गहरा राजनीतिक अनुभव के कारण उनको अध्यक्ष चुना गया। और दोस्तों, आजादी के पूर्व भारत में कांग्रेस का अध्यक्ष होना बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मान था और यह सम्मान जब एक महिला को दिया गया तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। गांधी जी ने भी सरोजिनी नायडू को कांग्रेस प्रमुख के रूप में बड़े ही उत्साह भरे शब्दों में स्वागत किया। आजादी के पश्चात सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। उस समय वह विस्तार और जनसंख्या के दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रांत था। उस पद को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, मैं अपने को कैद कर दिए गए जंगल के पक्षी के भांति महसूस कर रही हूँ। लेकिन वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा को ना टाल सकी और उत्तर प्रदेश का राज्यपाल का कार्यभार को अपने सर लिया। दोस्तों, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी। 2 मार्च 1939 को ऑफिस में काम करते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया और वो चल बसी। सरोजिनी नायडू भारत देश की सभी औरतों के लिए आदर्श का प्रतीक है। वो एक सशक्त महिला थी जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। उस महान आत्मा को हमारा सत सत प्रणाम। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट में कि अगली स्टोरी हम किस लेजेंड के ऊपर प्रस्तुत करें। धन्यवाद।